हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में। आप सभी जानते हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 24 फरवरी को भारत की 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इसी 2 दिवसीय दौरे के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में भी कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है सरदार पटेल स्टेडियम, जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और सरदार पटेल स्टेडियम के बारे में मैंने आप लोग बताया भी था, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि 700 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और ये 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला स्टेडियम है। और इस स्टेडियम का उद्घाटन भी किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो ये आप याद रखेंगे। और गुजरात के बारे में हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, आज हम केवल अहमदाबाद और इससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो अहमदाबाद है ये बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे और कुछ समय पहले ही इसी अहमदाबाद में 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। साथ ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जी, इन्होंने अहमदाबाद में ही सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया था। ये सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊँची प्रतिमा है, तो ये आप याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन से एक और चीज़ कनेक्ट की जा सकती है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये भारत की यात्रा पर आए हैं, इसके लिए आयोजित किया जा रहा है नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी USA के दौरे पर गए थे तब इनके लिए वहाँ भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था हाउडी मोदी का, और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में। कुछ समय पहले की बात है इसलिए ये भी आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस 23 फरवरी के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को कब तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है जून 2020 तक। ये मंथ इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये कंट्री इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की अवधि को बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं FATF के बारे में। तो ये एक इंटर गवर्नमेंट संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है ड्रग स्मगलिंग, टेरर फंडिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग पर ध्यान देना। और जो पाकिस्तान है इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही ग्रे लिस्ट में रखा गया है FATF के द्वारा। यदि हम बात करें FATF की फुल फॉर्म की यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो इनका नाम है जियांग मिन लियू, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है भुवनेश्वर से, और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें कई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। और शुभारंभ किया गया है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या कुल 147। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 में, इसे होस्ट करेगा ओडिशा, और ओडिशा के 2 शहरों में यानी कि भुवनेश्वर और राउरकेला, इन्हीं 2 शहरों में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। और ओडिशा में ही स्थित है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल कर दिया गया है APJ कलाम द्वीप। ओडिशा की एक हल्दी है कंधमाल हल्दी, जिसे 2019 में GI टैग दिया गया था। और एक फेमस एथलीट है जो कि ओडिशा से ही बिलोंग करती हैं द्युति चंद।
जिन्हें कुछ समय पहले ही वोग पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं रॉस टेलर, और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से मतलब है T20, ODI और टेस्ट। इन्हीं सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं रॉस टेलर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। बात की जाए यदि न्यूजीलैंड की, तो कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है मेंस की, इसे MCC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और क्यों सम्मानित किया गया था, तो आप सभी जानते हैं 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसका जो फाइनल था ये खेला गया था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, और बहुत ही रोमांचक मैच था जिसमें कि विजेता रहा था इंग्लैंड, लेकिन न्यूजीलैंड ने उस मैच में जो अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई थी, इसके लिए इसे सम्मानित किया गया है MCC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से। साथ ही जो ICC वुमेन वर्ल्ड कप होगा, ICC वुमेन वर्ल्ड कप ये होगा 2021 में, और इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड, जबकि जो पुरुषों का वर्ल्ड कप है ये होगा 2023 में, और इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में विशाल सोने के भंडार की खोज की है? ये खोज की गई है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, लगभग 3000 टन से अधिक सोने की खोज की गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में वर्तमान स्वर्ण भंडार का ये 5 गुना है। खोज की किसने है? GSI ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना की गई थी 1851 में ब्रिटिश शासनकाल में, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तो ये आप याद रखेंगे। और सोनभद्र ये है उत्तर प्रदेश में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब हम उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड यदि कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करें, तो एक रैंकिंग जारी की गई थी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में, उत्तर प्रदेश है टॉप पर। कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, कन्या सुमंगला योजना। साथ ही ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली यूनिवर्सिटी ये स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इस मिसाइल का नाम है RAAD-2, और ये जो मिसाइल है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है, और 600 किलोमीटर रेंज की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये कौन है? आरिफ अलवी, जबकि प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने सुगर केन जूस यानी कि गन्ने के रस को अपना नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो गजनवी मिसाइल है इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। तो जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में मिसाइल लिखी हैं ये रिलेटेड है पाकिस्तान से, और यदि हम बाकी दो ऑप्शन को डिस्कस करें, ब्रह्मोस मिसाइल, तो ब्रह्मोस मिसाइल इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ध्यान दीजिए, इंडियन नेवी के द्वारा परीक्षण किया गया था, लेकिन इसे डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा। GSAT-30 मिसाइल इसका परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा, और कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा उपकरणों पर सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आयोजन अभी कुछ समय पहले ही किया गया ढाका में। अब यदि हम बात करें इस सेमिनार की, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग को आगे ले जाना, और आयोजन किया गया ढाका में। ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, और यहीं पर हेडक्वार्टर स्थित है बिम्स्टेक का। करेंसी क्या है? टका। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ढाका के बारे में, और इसी ढाका में कुछ समय पहले ही DIFF यानी कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई थी कैसल ऑफ ड्रीम्स। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अभी यदि हम बात करें यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की, तो इनका नाम क्या है? शेख हसीना,
जिन्हें कुछ समय पहले ही अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बांग्लादेश का एक फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट है जिसे कुछ समय पहले ही आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिविज़न के लिए रखा है। आप सभी जानते हैं हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड का 21वां संस्करण समाप्त हुआ है जिसमें स्पोर्ट्स मैन का खिताब जीता है लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन ने। यदि हम बात करें लियोनल मेसी की तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ये हैं फुटबॉलर और ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। लुइस हैमिल्टन की यदि हम बात करें तो ये एक रेसर हैं, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। अब यदि हम बात करें स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की तो ये जीता है सिमोन बाइल्स ने। सिमोन बाइल्स ये बिलोंग करती हैं यूएसए से और ये एक जिमनास्ट हैं। सचिन तेंदुलकर तो अभी हाल ही में इन्हें स्पोर्ट्स मूमेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में केवल 5 दिन काम करने का ऐलान किया है? और ये ऐलान अभी हाल ही में किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और ये लागू होगा 29 फरवरी से। और वर्तमान में महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार का अवकाश लेते हैं और अब ये काम करने का जो डे है ये कर दिया गया है 5 दिन, यानी कि 7 में से 5 दिन वर्क करेंगे सरकारी कर्मचारी। घोषणा की है महाराष्ट्र ने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप नंद्रा जोग। तो ये आप याद रखेंगे, जो महाराष्ट्र है ये 2 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। एक तो ये है जस्टिस इंडिया रिपोर्ट यानी कि न्याय देने के मामले में, साथ ही AMFFR यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, इसमें भी टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 स्कीम्स रही हैं चर्चे में, एक तो है साइबर सेफ वूमन की पहल, साइबर सेफ वूमन, और शिव भोजन योजना। शिव भोजन योजना के अंतर्गत गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने रिविज़न के लिए रखा है क्योंकि बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि किसी भी क्वेश्चन का रिविज़न नहीं हो पा रहा है, तो 2 क्वेश्चन हैं आज रिविज़न के लिए। बायो एशिया समिट 2020, इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में और इसकी थीम भी मैंने आप लोग बताई थी, थीम थी टुडे फॉर टुमारो। बात की जाए यदि हैदराबाद की तो ये है भारत का पहला ब्लॉक चैन जिला, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में और इस मेडिटेशन सेंटर में 1 लाख लोगों को मेडिटेशन की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में अफगानिस्तान के 2 बार से राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर था अशरफ गनी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 7 या 8 फरवरी को पढ़ाया था, इसलिए मैंने कुछ पुराने क्वेश्चन ऐड किए हैं पूछने के लिए। इसका आंसर यदि आप लोगों को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।